आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही जनपद मैनपुरी की पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क हो चली है, जिसके चलते मैनपुरी के इटावा किसनी सीमा पर चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय चोरों के एक साथी गैंग का पर्दाफाश किया गया। आपको बताते चले, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के इटावा मैनपुरी बॉर्डर का है, जहां मुखबिर द्वारा पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि अंतर जनपदीय 5 चोर विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चुरा कर मैनपुरी जनपद में सस्ते में बेचने की फिराक में है, जिसके बाद बॉर्डर पर चल रही चेकिंग के दौरान 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 9 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी, अवैध तमंचे, कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बरामद किए हैं जिनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट चोरी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अंतर जनपदीय गैंग को पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा 10,000 का नगद इनाम दिया गया है। न्यूज 9 भारत के लिए रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। आगामी इलेक्शंस को लेकर के जनपद में सघन चेकिंग अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी टीमें जगह जगह पर लगी हुई बैरियर्स पर। इसी क्रम में इटावा किसनी बॉर्डर पर चेकिंग चल रही थी और वहाँ पर चेकिंग के दौरान जो है कुछ संदिग्ध वाहन एवं व्यक्ति दिखाई पड़े। उनको फिर चेक किया गया तो उनके कब्जे से चोरी की 10 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, साथ में 4 तमंचे और ये 5 बदमाश टोटल जो है इसमें अरेस्ट हुए हैं। इसमें से प्रदीप कश्यप इटावा का है, अभिषेक शाह भी इटावा का है, इस्फाक ये भरथना इटावा का है, रंजीत उर्फ डैनी इटावा का है और अजय कुमार ये भी इटावा का है। ये 5 बदमाश इटावा जनपद के हैं और 4 इनसे तमंचे मिले हैं और 10 चोरी की मोटरसाइकिलें मिली हैं। सभी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इस जनपद में चोरी के साथ साथ अन्य वारदातें करते थे, तो इनको आज जेल भेजा जा रहा है और साथ में इनके लंबे आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई आगे की जाएगी। पूरी टीम को यशो किसनी सीओ भोगांव और पूरी टीम को हमारी तरफ से 10,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।